कैसे हो आप लोग, आई होप फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे। आज जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आने वाला है ये वीडियो में, क्योंकि तुम्हारा भाई एक नया प्रोडक्ट बाय किया है जिसका नाम है 17S ईयरबड। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जो भी मेरे चैनल पे नया है चैनल को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मैं ऐसी अनबॉक्सिंग के नए नए वीडियो लाते रहो और उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाए। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि एक प्रोडक्ट बाय किया है, तो ये रहा वो प्रोडक्ट जो कि अमेज़न से मैंने बाय किया था। लगभग मुझे 400 के अंदर का पड़ा ईयरबड जो कि 17S का है। तो इसको ओपन कर लेते और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये यूज़ करते समय कोई बड़े का होना ज़रूरी है, तो इसको फाइनली ओपन कर लेते। फाइनली मैंने ओपन कर लिया है, तो देखते हैं इसके अंदर का। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं हर प्रोडक्ट में मैं आपको बताते आ रहा हूँ, जो अमेज़ॉन का पैकिंग होता है बहुत ही हार्ड और कतई हार्ड होता है उसका पैकिंग। में हर प्रोडक्ट में मैं उसके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दूँ या ना दूँ, बट उसके पैकिंग के ऊपर मैं दे देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप ही देख सकते हो उसको कैसा पैक किया गया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग और देखते अंदर तुम्हारे भाई ने जो बाय किया था वो देख लेते सही से आया है कि नहीं। तो इसको पूरा फाइनली खोल लेते हम लोग। तो फ्रेंड्स ये रहा वो प्रोडक्ट, आपको दिखता होगा, सॉरी 17S का नहीं है, i7S है ये। तो इसको ओपन करता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का। तो ये कुछ इसमें सेलो टेप लगे हुए, तो फिर से हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा वो चीज़, और तो कुछ नहीं इसके अंदर, बस आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाता है और एक कुछ मैनुअल, जो कि अगर नहीं पता है इसको यूज़ कैसे करना है तो आप इसको रीड करके मैनुअल कर सकते हो। और अभी फ़िलहाल के लिए मुझे तो नहीं लगता है कि ये सब का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, तो ये सबको बाजू में रखते हैं और देखते ये चीज़ का। तो फ्रेंड्स इधर आपको एक बटन देखने मिल जाता है जिसको अगर आप प्रेस करके रखोगे तो आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और आपको पीछे इधर चार्जिंग केबल दिख जाएगा जिसको आपको ये लगा कि आप इसको चार्जिंग कर सकते हो। और बात करें ईयरबड्स की तो आपको इधर दिखता होगा ईयरबड ये दो, ठीक है। तो ये दोनों इधर आपको इसका LED लाइट देखने मिल जाता है और प्लस इसके अंदर और तो कुछ था नहीं ये दोनों के सिवा, और ये दो एक बटन और एक चार्जिंग केबल बस। और फ्रेंड्स इसके अंदर आपको मिल जाता है एक ये साइड पे बटन जो कि आप म्यूज़िक बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, और ये वाले में आप कॉल रिसीव कर सकते हो। जिसमें LED लाइट दिख रहा है उसमें आप म्यूज़िक ऑन ऑफ कर सकते हो, और जिसमें कुछ भी नहीं है उसको उसमें आप खाली कॉल रिसीव कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये ऐसा है। तो फ्रेंड्स इसका साउंड मैंने सुना, साउंड तो फ्रेंड्स मुझे इतना खास नहीं लगा, बट अगर आप ऐसे घर के यूज़ के लिए ले रहे हो तो फ्रेंड ये सही है, पर इसको आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते।
जॉगिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, किधर भी आप इसको नहीं लेके कैरी कर सकते, क्योंकि फैंस अगर एक गिर गया तो फिर आपका ही वेस्ट है। तो आप इसको घर पे ही यूज़ करो। अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लगा रहेगा, इसका अनबॉक्सिंग अच्छा लगा रहेगा, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से बाय कर लेना। तो फ्रेंड्स बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर लेना, और बहुत ही अच्छा लगा रहेगा तब भी सब्सक्राइब करना, वरना एक लाइक और एक कमेंट से काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही, थैंक यू एंड बाय। The number you have called is temporarily unavailable.